दोस्तों आईपीएल 2024 के ऑक्शन में काफी सारे रिकॉर्ड बनते हुए दिखे। कुछ खिलाड़ी तो यहाँ पर 20 करोड़ से भी अधिक प्राइसिंग में सोल्ड आउट होते हुए दिखे। आपको इस वीडियो में आईपीएल 2024 के ऑक्शन में यहाँ पर सोल्ड आउट हुए सभी खिलाड़ियों की लिस्ट बताइए, आपको बताया जाएगा कौन कौन से खिलाड़ी कौन सी टीम में आखिर बिके, किस प्राइसिंग में बिके। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप क्रिकेट से जुड़ी कोई भी खबर कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। तो सबसे पहले ऑक्शन में रोमन पोवेल आए थे 7.4 करोड़ में, राजस्थान की टीम ने इनको परचेस किया था। इसके बाद हैरी ब्रुक को 4 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स ने परचेस किया था। इसके बाद ट्रेविस हेड को यहाँ पर 6.8 करोड़ में हैदराबाद ने परचेस किया था। इसके साथ ही वनिंदु हसरंगा को इसके बाद केवल 1.5 करोड़ में हैदराबाद ने परचेस कर लिया था। इसके बाद रचिन रविंद्र का नाम आया था और केवल 1.80 करोड़ में चेन्नई ने इनको परचेस किया था। इसके बाद शार्दुल ठाकुर का नाम आया था, उनको भी केवल 4 करोड़ में चेन्नई ने परचेस करके अपनी टीम में शामिल कर लिया था। इसके बाद जजई को 50 लाख में गुजरात की टीम ने परचेस करके अपनी टीम में शामिल किया था। इसके बाद पैट कमिंस का नाम आया था और पैट कमिंस यहां पर पहले प्लेयर बने थे जो कि 20 करोड़ के ऊपर यहां पर गए थे। 20.50 करोड़ में हैदराबाद की टीम ने इनको परचेस किया था, रिकॉर्ड इनकी बिट गई थी। इसके बाद यहां पर कोर्टजी का नाम आया था, 5 करोड़ में मुंबई ने कोर्टजी को परचेस किया था। इसके बाद हर्षल पटेल को 11.75 करोड़ के बड़े अमाउंट में पंजाब की टीम ने परचेस किया था। इस अमाउंट में ये पंजाब किंग्स में गए थे। इसके बाद डेरियल मिचेल का नाम आया था और 14 करोड़ में डेरियल मिचेल को यहाँ पर चेन्नई की टीम ने परचेस किया था, चेन्नई के भाग बन गए थे। इसके बाद क्रिस वोक्स का नाम आया था, 4.20 करोड़ में इनको यहाँ पर पंजाब की टीम ने परचेस किया था। इसके बाद स्टब्स को 50 लाख में दिल्ली कैपिटल्स ने परचेस किया था। इसके बाद केएस भरत यहाँ पर 50 लाख में कोलकाता में गए थे। चेतन सकारिया भी 50 लाख में कोलकाता में गए थे। अल्जारी जोसफ यहाँ पर 11.50 करोड़ में ये आरसीबी में गए थे, लगभग 11.5 करोड़ में आरसीबी टीम ने इनको परचेस किया था। उमेश यादव 5.80 करोड़ में गुजरात में गए थे। शिवम मावी यहाँ पर 6.40 करोड़ में लखनऊ में गए थे। मिचेल स्टार्क जो कि आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर बन चुके हैं, ये यहाँ पर 24.75 करोड़ में कोलकाता की टीम में गए थे। इसके साथ ही इसके बाद जयदेव उनडकट यहाँ पर 1.60 करोड़ में बिके थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑक्शन चला। इसके बाद यहाँ पर मधुशंका 4.60 करोड़ में मुंबई की टीम में गए। तो इस प्रकार से हेजोपना ऑक्शन चला है। ऑक्शन के बाद जो अभी बाकी जो प्लेयर बिकेंगे उनको लेकर और बाकी सभी टीमों के स्क्वाड्स हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को रोककर डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल करें आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको बचे हुए प्लेयर्स की अब जल्दी लिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और आप कमेंट करके बताइए आपको सबसे बढ़िया बाय आखिर अब तक कौन से लगे और सबसे बेकार कौन से लगे, आप कमेंट जरूर करें।